नमस्कार, आप सभी को वेलकम टू माय फर्स्ट अचानक से चालू होने वाला ब्लॉग। मैं बस ऐसे ही बाहर आई थी मम्मी के साथ, तो मैंने अचानक से सोचा चलो बहुत टाइम हो गया ब्लॉग नहीं शूट किया तो शूट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं घर पर रेडी होके रील्स बना रही थी, मम्मी ने बोला कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है, तो मैंने फटाफट ड्रेस चेंज की और मम्मी के साथ आ गई बाहर धनिया मिर्ची पाउडर ये सब लेने के लिए। मैं घर पे वीडियो बना रही थी, मम्मी को लेनी थी सब्जी, तो हम बीच वीडियो को रोक कर हम पहले आए हैं यहाँ पे। ड्रेस तो चेंज कर ली, इयररिंग निकालना ही भूल गई। हम बहुत सालों से यहीं से मिर्ची और मसाले सारे लेते हैं, हमारे घर से ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा। जनवरी एंड में हम घूमने जाने वाले हैं, तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है। और यहाँ से मैंने एक ब्लैक जीन्स ली है, मेरे पास बहुत सारी ब्लैक जीन्स हो गई है, सारे एक जैसी लगती है फिर भी ले लेती हूँ मैं। ये है अपना बाज़ार मॉडर्न टाउन में, यहाँ पे एसएमसी वाले आते हैं और गाड़ी उठा के लेकर जाते हैं, इसीलिए मैं बाहर ही हूँ, मैं गाड़ी पे बैठूँगी। मॉडर्न टाउन, सब्जी मंडी और पार्टियाँ, इस एक ही जगह को हम 3 नाम से बुलाते हैं, तो आपको जो सही लगे आप बुला सकते हो। वैसे इसे मॉडर्न टाउन सब्जी मंडी ही कहते हैं, ये जितने भी लोग हैं ना सब्जी वाले सब मेरे को जानते हैं। मम्मी मटर ले रही है और मैं मटर छील के खा रही हूँ, अब ये पॉलीथीन की वजह से मैं दिखाई नहीं पा रही हूँ। ओके, आपको पता चल गया ना, लेकिन राजस्थान में कैसे सभी आस पड़ोसी को जानते हैं, वैसे ये सब्जी मंडी वाले हैं, यहाँ पे जितने भी हैं ना सब हमको जानते हैं, क्योंकि हम बचपन से यहीं पे आते हैं सब्जी लेने के लिए। यहाँ पे आपको कपड़े, चूड़ी, मेकअप और बहुत सारे सामान मिलेंगे, आपको सब कुछ यहाँ मिल सकता है। ओके, हम सब्जी लेके बाहर आए, तब तक शाम हो गई। यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाते हैं, राइट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारी स्कूल है जहाँ पे मैंने 12th तक पढ़ाई की थी, लेकिन अभी उधर नहीं जाएंगे, बहुत ट्रैफिक है। और इधर जाएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन मैं ही गाड़ी चला रही हूँ और मुझे फ़ोन का भी डर है, इसलिए वो सब तो नहीं बता सकती मैं, कभी अंकित के साथ आऊँगी तब बताऊँगी। यहाँ पे पहले कबूतर सर्कल हुआ करता था, यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए कबूतर सर्कल ही हटा दिया है। और यहाँ पे कितनी ट्रैफिक होती है अब। पापा गए हुए हैं राजस्थान, अभी अंकित का फ़ोन आया है कि आज बाहर ही खाना खाएंगे, तो बस हम सब्जी मंडी से डायरेक्ट इधर आ गए और अंकित आ रहा अभी गाड़ी लेके, उसका वेट कर रहे हैं। तुलसी रेस्टोरेंट और इसी के सामने है सर्वोत्तम। आ गए हैं होटल में, अभी खाना खाएंगे। अपने व्यापारिक कार्य हेतु पापा गए हैं राजस्थान और यहाँ के स्टाफ और सभी हमें जानते हैं, तो उनमें से एक ने मुझे पूछा आज अंकल कहाँ हैं। अंकल आज गांव गए हुए हैं, हाँ, इसीलिए हम बाहर पार्टी बना रहे हैं। वो बाहर आए हुए थे तो सोचे बाहर ही खाते थे। पापा ने वीडियो कॉल किया। ये है मंचाओ सूप, मंचाओ या मंचूरियन मुझे कंफर्म नहीं है, ये मेरी मम्मी का फेवरेट है। हम जब भी यहाँ आते लगभग हम ट्राई करते कि स्टार्टर में कुछ अलग मंगाएं, आज ये मंगाया है और मेरी मम्मी को थोड़ा कम पसंद आया है।
नहीं, अंकित के साथ आज प्रैंक हो गया। इसने आज स्टार्टर मंगाया, आज अलग स्टार्टर मंगाना है, अलग अलग के चक्कर में ये मंगाया। इसका थोड़ा टेस्ट हमें थोड़ा कम अच्छा लगा, पता नहीं क्या है। क्या नहीं, क्या नाम है इसका? लॉलीपॉप मसाला, वेज लॉलीपॉप। तो ये थोड़ा हमें कम अच्छा लगा। मम्मी ने भी नहीं खाया, मैंने तो जबरदस्ती खाया है। अब मंगाई है रोटी सब्जी, वो सब्जी जो मम्मी को बहुत पसंद है, और मैं प्याज को ऐसे ही तितर बितर करके खाती हूँ। नींबू पानी हो गया, अब आइसक्रीम। और यहाँ अंकित मम्मी को वो स्टोरी बता रहा है कि एक दिन निकिता आइसक्रीम लेके आई थी, और वो आइसक्रीम इतनी ऐसी थी कि ऐसे से मारने पर भी वो आइसक्रीम टूट ही नहीं रही थी। खाना खा के निकले, एकदम ठंड लग रही है मेरे को, इतनी जोरदार हवा चल रही है। खाना खा के जब हम घर जा रहे थे, मैंने पोस्टर देखा कि सोनू सिसोदिया, ओम जी मुंडेल ये सूरत आए हैं, तो मैं क्या यार ये पर्वत पाटिया इसी एरिया में है, चलो देख के आते कहाँ है। देखते देखते हम 4-5-6 किलोमीटर आगे चले गए। वहाँ जब हम पहुँचे तब स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिंगर स्टेज पे नहीं आते ना, तो कोई भी सिंगर के गाने चला देते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो अंकित बोलते हैं, अरे ओम जी मुंडेल ने प्रकाश जी माली आए हुए हैं लगता है। हम बस देखने गए थे कि वो प्रोग्राम कहाँ है। करते करते हम बहुत दूर आ गए, और फाइनली हम वहाँ उस जगह पे पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर उसी गली से जब वापस आ रहे थे ना, तो रीना का घर पास में पड़ता है, इसलिए हम आ गए यहाँ पे बच्चों को खिलाने के लिए। और हम थोड़ी देर इसके साथ मस्ती किए, फिर घर पे आ गए। इतनी ठंड थी और मेरे को याद भी नहीं रहा ब्लॉग शूट करना। हम घर पे आ गए, बस 11 बज गए, अब बस सोने वाले हैं। पूरी तरह थक गई हूँ मैं आज सुबह से, भागा दौड़ी। बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।